शोर है यहाँ पे, ना मेरी आवाज ही नहीं आ रही है, तो कुछ इस तरह का माहौल है। अभी तो ये शुरुआत है, नियो टाइम में देखा पूरा बवाल हो जाएगा। ये है कलंगुट बीच और बहुत ही रंगीन माहौल अभी हो गया है। पहले तो एकदम मतलब ऐसा लग रहा था कि यार क्या ही हो गया, मतलब कैसे हो गया कोविड। गाड़ियाँ जो है भर भर के लेके जा रही है सब लोगों को, कुछ तो मैटर हुआ है बहुत तगड़ा, क्या सीन हुआ है पूरा। दोस्तों स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। मैं पहुंच गया हूँ आज काफ़ी दिनों बाद, मतलब ये लगभग मुझे हो गए हैं यहाँ पर दो महीना, तीन महीना हो गए होंगे लगभग, न्यू ईयर मतलब गोवा, तो वो वाला माहौल है, बहुत ही ज़्यादा क्राउडी हो रखा है यहाँ पर। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, उनको पता होगा कि ये स्ट्रीट कौन सी है। ये कलंगुट बीच की स्ट्रीट है, यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर भी कुछ था जो कि अभी बंद कर दिया गया है, शायद रेनोवेशन का काम वहाँ पर चल रहा है, बट ये रत्न सागर चालू है, टैटू शॉप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है। और ये भी पता होगा आपको वाइट बीच ये बार है, सो यहाँ से हम लोग अंदर एंट्री करते हैं। और ये सब सारी जो मेरे पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा, यहाँ पे गाने वाने चल रहे हैं, शोर मचा हुआ है। यहाँ पे जाएंगे, सारी चीज़ों की जानकारी आपको दूंगा मैं। और ये वीडियो अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ शूट करने के बाद तुरंत यहीं पर बैठे बैठे एडिट करके यहीं पर मैं अपलोड कर दूँगा, क्योंकि आपको आज की चीज़ें मिल जाए। और ये वीडियो अगर जो देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो वो सबसे पहले वीडियो यहीं पे पॉज करके आप क्या जानना चाहते हैं वो आप कमेंट में लिखो, और उसके बाद मैं तुरंत कमेंट भी पढ़ते रहूँगा, अपना व्लॉग भी यहाँ पे वीडियो बनाते रहूँगा, वो सारी चीज़ें मैं ऐड करते जाऊँगा लाइव। तो अलग ही माहौल बना रखे हैं यार ये लोगों ने, बहुत सही, कितना पीसफुल सा यहाँ पर माहौल है। मतलब पीछे शोर शराबा हो रहा है और यहाँ पर लोग अपना बैठे हुए हैं और देख रहे हैं आसमान, ये सब धुएं से पूरा सब कैसे स्मोकी हो गया है, देख रहे हो। गाने कितने सारे बज रहे हैं एक साथ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बज रहा है, बस ऐसा लग रहा है कुछ शोर हो रहा है, इसी का शोर है समझ नहीं आ रही है। हमारा कलंगुट बीच का समंदर काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया है, अपने आसमान किस तरह हो गया है, पूरा धुआं धुआं और इतने सारे गाने चल रहे हैं, लोग नाचने में एकदम मशगूल हैं, लोग पागल हुए पड़े हैं। और न्यू ईयर टाइम होता है, ये शेक जितने भी होते हैं जहाँ पे ये लोग डांस करते हैं, ये सब एक्चुअली दोस्तों फ्री होता है, आप फ्री में जाके इंजॉय कर सकते हैं। बस आपको जो ड्रिंक करना है, शराब बियर जो भी लेना है आपको, स्मोक करना है, वो सारी चीज़ों का पैसा लेते हैं, थोड़ा सा महंगा होता है तो, लेकिन आप आते हैं तो खर्चा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़ोर से मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये फिशिंग करके जा रहे हैं ये लोग ना, ये जो है ना, ये नेट लेके जा रहे हैं। तो अभी न्यू ईयर में क्या होता है ना, ये लोग एंट्री फीस लगा देते हैं, पहले तो फ्री रहता है, न्यू ईयर के जस्ट दो दिन बाद ना ये फ्री हो जाता है, लेकिन न्यू ईयर टाइम में ये इनका कमाने का होता है, तो कमाने के लिए वो फ्री कर देते हैं। तो ये सीज़न होता है तो 200 रुपये, 300, 400, 500 रुपये तक का एंट्री फीस लेते हैं ये लोग, और बाकी तो ऐसे फ्री रहता है। चलो आप पास में चलते हैं, कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि यार गाने अभी तक क्या है ना क्लियर सुनाई देने लगे हमें। पकड़ लिया यार,
यार मैं वीडियो बनाने लग गया था तो वो क्रैप बहुत बड़ा सा क्रैप था, वो पकड़ के लेके चले गया। मतलब मैं टॉर्च निकालने लगा क्योंकि अंधेरा था, मैंने सोचा चलो टॉर्च निकाल लेते हैं, तो उसके पहले वो क्रैप को पकड़ के लेके चले गया। थोड़ा सा वीडियो मैंने ऐड कर दिया होगा, आप देखना कि कितना बड़ा सा क्रैप वो पकड़ के लेके जा रहा था। मैं टॉर्च निकालने लगा अपना, मैंने सोचा टॉर्च जला के साथ साथ मैं देख लूँगा, लेकिन उसके पहले उसने पकड़ के लेके चले गया था, मैं शूट नहीं कर पाया सही से और कैमरा टेढ़ा टेढ़ा हो रहा था। खैर ऐसे बड़े बड़े क्रैप भी बैठे रहते हैं समुंदर में, बैठते हैं ना थोड़ा सा ध्यान देना, कभी कभी क्रैप आके काट भी लेते हैं। और कुछ लोग सोते रहते हैं शराब पे करके, कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर कपल में वॉक करके रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सही माहौल होता है यहाँ पर। फोन वोन भी चोरी कर लेते हैं, लड़ाई हो जाती है, फाइट भी हो जाती है। तो नशे में या फिर मुझ में नशा है, गाना बज चुका है और हम आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा, बंद कर दिया गाना ही। वो इस तरह का यहाँ पे माहौल, अचानक से बहुत ज़्यादा शांति हो गई है, क्या मैटर हुआ समझ में नहीं आ रहा है। खैर सारे जितने भी डीजे थे वो बंद कर दिए गए हैं और क्या माहौल है उसका पता नहीं, क्या हुआ किस लिए बंद कर दिया गया वो सारी चीज़, पुलिस वाले शायद कुछ तो किए होंगे। चलो देख कितना धुआं उड़ रहा है यहाँ पे, देख रहे हो यार, बाप रे ये माहौल देख रहे हो कितना खतरनाक है, पूरा चारों तरफ से धुआं उड़ रहा है। और ये देखो पुलिस वाले रहते हैं अपना पेट्रोलिंग वगैरह यहाँ पे रात में करते रहते हैं ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो, तो कुछ तो हुआ है जो अचानक सब कुछ बंद करवा दिया गया है, कुछ तो सीन हो गया है यहाँ पर। और गाड़ियाँ जो हैं भर भर के लेके जा रही है सब लोगों को, कुछ तो मैटर हुआ है बहुत तगड़ा यहाँ पे, कुछ कांड हो गया है और बहुत ही तगड़ा कांड हुआ है, कुछ तो हुआ है, किसी को पकड़ के लेके आया गया है और जितने भी म्यूजिक मतलब डीजे वगैरह चल रहे थे ना सब कुछ बंद करवा दिया गया। अचानक देखेंगे पूरा शांति हो गया, सब लोग अपने कान खड़े करके यहाँ पे देखो सब लोग सुन रहे हैं, तो कुछ तो बड़ा कांड हो गया। दो दो गाड़ी भर के पुलिस आई हुई है यहाँ पर और सब लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, सब कुछ क्लीन अप किया जा रहा है। चलो देखते हैं क्या माहौल हुआ है यहाँ पर, कुछ देखो सब उठ रहे हैं, सब उठ रहे हैं यहाँ से, सब भाग रहे हैं यहाँ से, कुछ तो तगड़ा कांड हो गया अभी और बवाल हो गया यहाँ पर। अभी मैंने बात किया एक बंदे से, टूरिज्म की वजह से ये हुआ यूँ कि वो जो चेयर्स वगैरह थी ना पानी के ज़्यादा करीब तक लेके आ गए थे, और अभी क्या है ना साइक्लोन एक आने वाला है तो पानी क्या है ना यहाँ तक आ जाएगा, लोगों को तकलीफ़ दे देगा ज़्यादा समंदर के पास तक चेयर वगैरह लेके आ जाते, तो इसलिए ना आके लोग बंद करवा दिए। और माहौल ऐसा हो जाता हो गया है रात में कि बारात आई हो, किसी कारण से दूल्हा नाराज हो के बारात वापस लेके चले गया हो, सारे बाराती यहाँ पे अकेले ऐसे घूम रहे हैं है ना, घर आती हो बाराती, डीजे वाला भी डीजे बंद कर दिया है, घर वालों ने बंद करवा दिया हो, ऐसा माहौल यहाँ पे हो गया क्योंकि चार पानी वानी पिए जाए फिर निकलते हैं। चलो फिर वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद।